बांसवाड़ा जिले में बरवाला राजा गांव में सभा के दौरान की घटना। महंगाई राहत शिविर के निरीक्षण के बाद संबोधित कर रहे थे गहलोत। उस दौरान सीएम के भाषण के दौरान ग्रामीण उठकर चलते बने। ये नजारा देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पंडाल में दौड़ने लगे। सभी ग्रामीणों को बैठाने का आग्रह करते दिखे, लेकिन लोग नहीं बैठे। आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में छोड़ दिया और धन्यवाद कह दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार में बैठकर हेलीपैड तक पहुंचे और चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जब राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया से मीडिया ने पूछा सवाल, तो बामनिया बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। आपको बता दें कि ये सभा बामनिया की विधानसभा क्षेत्र में ही हो रही थी। बांसवाड़ा जिले में बरवाला राजा गांव में सभा के दौरान की घटना। महंगाई राहत शिविर के निरीक्षण के बाद संबोधित कर रहे थे गहलोत। उस दौरान सीएम के भाषण के दौरान ग्रामीण उठकर चलते बने। ये नजारा देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पंडाल में दौड़ने लगे। सभी ग्रामीणों को बैठाने का आग्रह करते दिखे, लेकिन लोग नहीं बैठे। आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में छोड़ दिया और धन्यवाद कह दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार में बैठकर हेलीपैड तक पहुंचे और चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जब राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया से मीडिया ने पूछा सवाल, तो बामनिया बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। आपको बता दें कि ये सभा बामनिया की विधानसभा क्षेत्र में ही हो रही थी। बांसवाड़ा जिले में बरवाला राजा गांव में सभा के दौरान की घटना। महंगाई राहत शिविर के निरीक्षण के बाद संबोधित कर रहे थे गहलोत। उस दौरान सीएम के भाषण के दौरान ग्रामीण उठकर चलते बने। ये नजारा देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पंडाल में दौड़ने लगे। सभी ग्रामीणों को बैठाने का आग्रह करते दिखे, लेकिन लोग नहीं बैठे। आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में छोड़ दिया और धन्यवाद कह दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार में बैठकर हेलीपैड तक पहुंचे और चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जब राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया से मीडिया ने पूछा सवाल, तो बामनिया बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। आपको बता दें कि ये सभा बामनिया की विधानसभा क्षेत्र में ही हो रही थी। बांसवाड़ा जिले में बरवाला राजा गांव में सभा के दौरान की घटना। महंगाई राहत शिविर के निरीक्षण के बाद संबोधित कर रहे थे गहलोत। उस दौरान सीएम के भाषण के दौरान ग्रामीण उठकर चलते बने। ये नजारा देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पंडाल में दौड़ने लगे। सभी ग्रामीणों को बैठाने का आग्रह करते दिखे, लेकिन लोग नहीं बैठे। आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में छोड़ दिया और धन्यवाद कह दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार में बैठकर हेलीपैड तक पहुंचे और चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जब राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया से मीडिया ने पूछा सवाल, तो बामनिया बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। आपको बता दें कि ये सभा बामनिया की विधानसभा क्षेत्र में ही हो रही थी। बांसवाड़ा जिले में बरवाला राजा गांव में सभा के दौरान की घटना। महंगाई राहत शिविर के निरीक्षण के बाद संबोधित कर रहे थे गहलोत। उस दौरान सीएम के भाषण के दौरान ग्रामीण उठकर चलते बने। ये नजारा देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पंडाल में दौड़ने लगे। सभी ग्रामीणों को बैठाने का आग्रह करते दिखे, लेकिन लोग नहीं बैठे। आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपना भाषण बीच में छोड़ दिया और धन्यवाद कह दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कार में बैठकर हेलीपैड तक पहुंचे और चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जब राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया से मीडिया ने पूछा सवाल, तो बामनिया बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। आपको बता दें कि ये सभा बामनिया की विधानसभा क्षेत्र में ही हो रही थी।